हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम थोड़ा हिस्टोरिकल वीडियोस बना रहे हैं। तो आज मैं लाइफ ऑफ बाबर के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो मेन पॉइंट्स है उसके मैंने नोट्स बनाए हैं जो एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। बाबर वॉज़ द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो जो बाबर है वो मुग़ल शासक था। ही वॉज बॉर्न ऑन फेब्रवरी 14, 1483। तो जो बाबर है उसका जन्म हुआ था 14 फेब्रवरी को 1483 में। हिज एक्चुअली नेम वॉज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसका जो पूरा नाम था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। His father was उमर शेख मिर्ज़ा। तो उनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा एंड मदर was कुतलक निगार खानम। और उनकी मदर का नाम था कुतलक निगार खानम। तो इस पैराग्राफ में मैंने बाबर का फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का, और वो 14 फरवरी को बॉर्न हुए थे 1483 में, उनका पूरा नाम, उनके फादर का नाम एंड मदर का नाम डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ बाबर। तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और जीते। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला जो पानीपत का युद्ध था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, और वो हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था जिसमें जीते थे बाबर। तो बाबर का ये पानीपत का पहला युद्ध था, और ये मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट बैटल्स से डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खानवा। तो जो बैटल ऑफ खानवा है, ये बैटल ऑफ खानवा ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। बैटल ऑफ खानवा 17 मार्च 1527 को हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, और जो इसके जो विनर थे, जो जीते थे, वो भी बाबर ही थे। क्योंकि ये सारे मेन जो टॉपिक्स हैं वो बाबर के बैटल और युद्ध के बारे में डिस्कस हो रहे हैं। तो जो उन्होंने जीते थे मैं वही इसमें डिस्कस कर रही हूँ जो मेन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसलिए मैंने उनकी डेट भी मेंशन किए हुए हैं, और मंथ्स भी मेंशन किए हुआ है, और ईयर भी मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चंदेरी। अब जो चंदेरी का बैटल था वो हुआ था 29 जनवरी 1528 को। तो जो चंदेरी का युद्ध है वो भी बाबर ने ही जीता था, और वो हुआ था बाबर वर्सेस मेदनी राय के बीच। बाबर वर्सेस मेदनी राय, इसके बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध भी बाबर ने ही जीता था। तो इसका भी मैंने डेट और ईयर एंड मंथ सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं और पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ घाघरा। तो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस अफगान के बीच। और इस ये वाला बैटल, ये वाला युद्ध भी बाबर ही जीते थे। और नेक्स्ट अब है डेथ। तो उनकी डेथ कब हुई थी, तो उनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1530 में, 26 दिसंबर 1530 को उनकी डेथ हुई थी। वैसे तो हिस्ट्री में बहुत कुछ है जानने के लिए, बट मैंने आज मेन पॉइंट से मेंशन किए जो एग्ज़ाम्स में 1-1 वर्ड के भी आते हैं, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसलिए मैंने मेन नोट्स ही आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा इसी टाइप के हिस्टोरिकल वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मैसेज करके भी आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि मतलब आगे और आप
ऐसे ही मुग़ल शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं और आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस लेकर आऊँगी। बाय एंड सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।